मेरे अच्छे मित्र के ब्रांड है अब्रैक्सिस, मिस्टर हेमंत सूद जो यहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने जब ये बताया कि एक इंटरनेशनल पेजेंट, और पहले तो मैं सोचा कि ये कोई नॉर्मल ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसे, बट जैसे मैंने इन्हें पढ़ा और देखा, इनकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया और जो अलग तरीके से वेस्ट इंडीज़ करेबियन में फाइनल्स होंगे, और ये विश्व का एक प्रतियोगिता है, इट्स नॉट ओनली इंडियन कॉन्टेस्ट, इट इज़ अ इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट एंड इंडिया वाइड ऑडिशंस एंड सिक्स टाइटल्स, द विनर गो टू द वेस्ट इंडीज एंड फाइव टू वेस्ट इंडीज एंड वन टू मलेशिया। सो फेमिना मिस इंडिया के बाद मेरे को लगा कि एक बहुत अलग तरीके से ये कॉन्टेस्ट है, और ये कोई, क्योंकि ये भारत को रिप्रेजेंट करेगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, तो यहाँ पर सेलेक्शन एंड क्राइटेरिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है कि एक लड़की हमारे देश को रिप्रेजेंट करेगी। तो अल्टीमेटली आप कुछ भी इंडिया में करें, आपको ये नज़र में रखना पड़ता है कि वहाँ क्या करेगी लड़की, हमारे देश को गौरव लाना चाहिए। और जब हमारे इतने अच्छे सुंदर लड़कियाँ हैं इंडिया में और कईयों को मंच नहीं मिलता है, तो शायद यहाँ से एक सितारा निकल जाए जो इंडिया का नाम काफ़ी ग्लोरिफिकेशन करेगी और बहुत ही नॉलेज लगेगी। इंडिया इज अ पुअर कंट्री, बट आई होप विद द न्यू गवर्नमेंट इट्स टेकिंग इंडिया ग्रेटर स्ट्राइड्स, एंड व्हेन अ गर्ल विंस अ कॉन्टेस्ट एंड गोज आउट ऑफ इंडिया एंड सपोज शी विंस इंटरनेशनली, so then the eyes focus on India. So when the eyes focus on India, the spotlight comes to India, right. Through that pageant girl, she brings in tourism, she brings in, you know, she brings in revenue from people, because you know she's ambassador of your country, so people look upon her as a gateway to come to India, and when they come to India, maybe they invest in India. So one thing leads to another, you have opportunities, doors opening from one to another, where one, you know, shows the way.